हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल स्माइल ऑटो गैरेज में। दोस्तों, आज हम देखेंगे बाइक में करंट कम आ रहा है और इसकी वजह से बाइक स्टार्ट नहीं हो रही, तो ये क्या वजह है आज हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, बाइक के अंदर जब करंट ना आए तो सबसे पहले मैग्नेट की कॉइल चेक की जाती है। अगर बाइक में करंट आ रहा है और बाइक झटका ले रही है तो कोई और प्रॉब्लम हो सकता है, और इसके लिए हम देखेंगे कि बाइक में करंट कम आ रहा है तो इसके लिए कौन सा कॉइल इसका चेंज करना पड़ेगा। तो हम अभी इसका मैग्नेट खोलेंगे। इसका मैग्नेट कॉइल जब ख़राब हो जाता है तो बाइक 2 घंटे बाद, अगर हम बाइक को 2 घंटे बंद रख के खड़ी करते हैं फिर स्टार्ट करते हैं, बाइक स्टार्ट नहीं होती। 1 घंटा 2 घंटा बाइक ठंडी होने के बाद अगर बाइक स्टार्ट ना हो तो आप मैग्नेट कॉइल को चेक कीजिए। इसकी हम पहचान कैसे करेंगे तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि अगर मैग्नेट कॉइल ख़राब हो तो इसके क्या रीज़न्स होते हैं, कैसे पता करें कि मैग्नेट कॉइल ख़राब है। सबसे पहले हम इसके प्लग वायर में करंट चेक करेंगे। अगर करंट कम आता है तो मैग्नेट कॉइल इसका ख़राब है। अब हम लोग देखेंगे, ये देखिए करंट एकदम ना के बराबर, एकदम कम करंट आ रहा है। फिर से देखिए, तो दोस्तों करंट बिल्कुल ना के बराबर आ रहा है। इसके करंट को कैसे बढ़ाएं, तो हम लोग अभी इसकी मैग्नेट कॉइल चेंज करके देखेंगे, क्योंकि जब करंट आता है तो बाइक झटका दे रही है तो उसका CDI कॉइल चेक करना पड़ता है। लेकिन इस बाइक के अंदर करंट कम आ रहा है और ये प्रॉब्लम होता है बाइक में, बाइक पानी में खड़ी करने की वजह से कॉइल शॉर्ट हो जाती है। जैसे हम अभी चेंज करके करंट चेक करेंगे, ये कॉइल ख़राब होने की वजह से बाइक जल्दी स्टार्ट भी नहीं होती। 10-12 की के कंटिन्यू मारने के बाद में ही बाइक स्टार्ट होती है, और जब बाइक गर्म हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं देती। लेकिन तब भी आप 1-2 घंटा अगर बाइक को खड़ी करके छोड़ देते हैं और वापस से स्टार्ट करते हैं तो बाइक स्टार्ट नहीं होती। तो उसका जो रीज़न है वो यही है, मैग्नेट कॉइल, प्लेटिना बाइक, ये है इसकी मैग्नेट की कॉइल, स्टार्टिंग कॉइल ये वाली। और इसके मैग्नेट में, एक प्लेटिना बाइक में एक खासियत है कि इसका जो कॉइल है वो अलग से हमको मिल जाता है, यानी हमको पूरा कॉइल प्लेट चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये अपने कम खर्चे में आपका काम हो जाता है। तो हम अभी इसको एक मैग्नेट कॉइल चेंज करके देखते हैं। इसे यहाँ से वायर कट कर लेंगे, ये यहाँ से इसको, इस वायर को छील लिए, थोड़ा ही छीलना है इसको।
ये किसी भी बाइक में प्रॉब्लम, अगर आपकी बाइक जल्दी स्टार्ट नहीं होती और गर्म होने के बाद अगर बराबर चले तो दिक्कत इसी कॉइल की है। और जब बाइक गर्म होके स्टार्ट नहीं होती वो दूसरी अलग कॉइल का प्रॉब्लम होता है, CDI कॉइल का, वो भी हम आपको एक वीडियो में बताएंगे हम। बट अभी आप इसको समझिए, ये हमने दूसरा कॉइल लेकर इसके अंदर ऐड कर लिया, इसको बराबर से टेपिंग करके अभी हम लोग लगाएंगे और इसके बाद हम बाइक का करंट चेक कर लेंगे। इसके दोनों साइड में टेपिंग हो चुकी है। ये जो कॉम्बो कॉइल है, 3 कॉइल्स, ये लाइटिंग के लिए होती है। अगर आपके बाइक का लाइट बंद हो गया और येलो केबल में करंट नहीं आता तो ये कॉम्बो कॉइल चेंज होती है। और ये भी ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, ये हमने अभी इसको इसकी जगह पर सेट कर दिया। मैग्नेट लगा देंगे फिर हम करंट चेक करते हैं इसका। ये हो गया, इसको टाइट कर लेंगे थोड़ा सा। फुल लोड ले लिया मैग्नेट पे, और ये हो गया। अब हम लोग इधर आ जाएंगे, करंट चेक करेंगे इसका प्लग केबल में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि हमारा बाइक में करंट आया है नहीं। ये देखिए दोस्तों, फुल करंट आ चुका है इसमें। तो दोस्तों कभी भी अगर आपका बाइक स्टार्ट नहीं होता जल्दी ठंडी होने के बाद में, रात भर खड़ी हो गई, सुबह स्टार्ट नहीं होती, स्टार्टिंग प्रॉब्लम देती है, तो आप बिना सोचे समझे टाइम गवाए स्टार्टिंग कॉइल को चेंज कर दें। ऊपर कोई वायरिंग मिस्टेक या CDI कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठंडी होने के बाद अगर बाइक स्टार्ट नहीं हो रही तो आप मैग्नेट कॉइल्स को चेंज कर देंगे। और ये हमारा करंट आ चुका, कंप्लीट हो गई बाइक। इसको अच्छी तरीके से मैग्नेट कवर को लगा लें। ये प्रॉब्लम किसी भी बाइक में होता है। और दूसरा, अगर आपकी बाइक 110 CC, 125, 150 CC बाइक है या आपके पास में स्टार सिटी बाइक है तो उसमें ये कॉइल अलग से नहीं मिलेगा, उसमें कॉम्बो कॉइल आता है। बट बजाज प्लेटिना में आपका ये काम कम पैसों में, कम खर्च में हो जाता है। दोस्तों ऐसी जानकारी के लिए, आपको किसी भी तरह का बाइक में कोई प्रॉब्लम हो
तो हमसे साझा करें, हमसे पूछें, कमेंट करें। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल स्माइल ऑटो गैरेज को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।